नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। चार आलुओं को उबाल करके रख लिया है, दो हरी मिर्च, टमाटो केचप और ये मेयोनीज, सूजी, मैदा, तीन चार ब्रेड को इस तरीके से हमने चूरा बना लिया है, मिक्सर में पीस लिया है, एक प्याज, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और जीरा। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हमने गैस पे पैन रख दिया है और गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देनी है हरी मिर्च, मिर्च चटक जाए तो इसमें डाल देना है जीरा, अब डाल देना है प्याज, इसे भी मिला लें। ये देखिए प्याज हमारी इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हम सामग्री में नहीं दिखा पाए थे, अब थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से, इसे भी मिला लें। डाल देंगे अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सबको मिला लें। आलू डाल देंगे, जो हमने चार आलू लिए थे उसको छील करके इस तरीके से हमने मैश कर लिया अच्छे से। हम एक चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, गैस को मंद रखेंगे। ये देखिए जो हमारी आलू वगैरह था सब कुछ, तो ये अच्छे से हमारी आलू पक गई है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। ये हम इस तरीके से आलू को उठाएंगे और इस तरीके इसकी टिक्की बनाएंगे। ये देखिए एक टिक्की हमारी बन गई है और इसी तरीके से सारी टिक्कियों को हम बना करके रख लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी बन करके तैयार हो गई हैं, हमने इस तरीके से बनाया है, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो इस तरीके से एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे मैदा, सूजी, इसमें मैंने मैदा और सूजी डाल दिया है और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जो हमने सूजी और मैदा का घोल तैयार किया था उसमें इस तरीके से पहले हम डिप करेंगे और फिर जो हमने इसको ब्रेड को वो करके पीस करके रखा है उसमें इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे सबको। ये देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे, गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने डाल देंगे टिक्कियाँ। हाँ इतना ही तेल गर्म चाहिए। ये जो हमारी आलू की टिक्की थी वो पक करके तैयार हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए इस तरीके से इसका तेल पूरा निखर जाए नीचे, इसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी आलू की टिक्की पककर के तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम पहले ब्रेड में कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने दोनों ब्रेडों को इस तरीके से कट लगा लिया बीच से, अब हम इसको चलते हैं सेकने के लिए। ये देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। थोड़ा सा इसको हम गर्म हो जाने देंगे। देखिए पैन थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे घी। अब हम इनको इस तरीके से सेक लेंगे। तो ये इस तरीके से, ये देखिए हमने इनको अलट पलट करके इस तरीके से सेक लिया है दोनों तरफ, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें लगा लेंगे टमाटो केचप और इसमें रख देंगे टमाटर के स्लाइसेस, प्याज और जो ये हमने टिक्की बनाई थी वो रख देंगे इस तरीके से और इसमें लगा देंगे मेयोनीज। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो आप वो भी लगा सकते हैं।
ये देखिए हमारा कितना प्यारा बर्गर बन करके तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये हमारा बहुत ही टेस्टी बर्गर बन करके तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।